अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, ये इन्होंने भेड़ें रखी हुई हैं और कुछ भेड़ें जो हैं वो कजली नस्ल की हैं और कुछ जो हैं वो भलवाल नस्ल की हैं। ये देखें व्यूवर्स, बहुत ही ज़बरदस्त भेड़ें हैं और इन्होंने एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने एक घास के लिए यहाँ पे एक जगह बनाई हुई है। यहाँ पे ये इकट्ठी होके जो है वो चारा खा रही हैं। व्यूवर्स, ये शीप जो होती हैं व्यूवर्स, इनकी जो आमदनी होती है वो बहुत जल्दी इनकम देती हैं। हर तकरीबन 6 महीने के बाद ये बच्चों को जन्म देती हैं, 2 से 3 बच्चों को जन्म देती हैं और इनकी जो आमदनी होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। और इस जानवर की जो प्राइस होती है व्यूवर्स, वो 20 से 25 हज़ार रुपए फी जानवर की प्राइस है। इसकी ऊन बहुत कारामद होती है, इनसे जो है वो मलबूसात तैयार होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये आमदनी वाला काम है। व्यूवर्स, इनका जो गोश्त होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है, वो भी खाने के लायक होता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है। और इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा बाड़ा बनाया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने इसको रखा हुआ है। ये देखें व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स दें, लाइक करें और शेयर करें और आइकॉन बेल का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें व्यूवर्स, यहाँ पे इन्होंने एक दो नर भी रखा हुआ है इसकी, इनकी अफजैश नस्ल के लिए, ताकि इनकी जो नस्ल है वो आगे बढ़ती रहे। और ये देखें व्यूवर्स, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे सेटअप बनाया हुआ है। इनके जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं। और ये भेड़ें जो हैं ये भी बहुत खूबसूरत भेड़ें इन्होंने रखी हुई है। सैफुल्ला, ये देखें इनके मालिक जो है व्यूअर्स, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे ये कौन सी नस्ल है। फरूख भाई, ये नूरपुरी कहलाती है, ये नूरपुरी नस्ल है व्यूअर्स। अच्छा, इसकी कीमत क्या होगी फरूख भाई? ये जो प्योर नस्ल की होती है वो कम से कम 15 से 20 हज़ार की 6-7 महीने की बची है। 6-7 महीने की एक जो भेड़ है, इनका कहना है तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये इसकी प्राइस है। अच्छा फारूक भाई, अगर कोई लेना चाहे, अगर कोई ख़रीदना चाहे तो आप उन्हें दे सकते हैं? नहीं, अभी तो इस वक्त ये है कि मैंने तकरीबन ये 3 महीने हुए हैं मैंने खुद खरीदी है। सही है, तो ये कितने अरसे के बाद आप इन्हें सेल आउट करेंगे? ये मकसद है कि अब इनमें जो नर हैं इनके वो खुले हुए हैं। सही है, तो उसके बाद ये मकसद है माएँ बनेंगी। सही है, इसके बाद जो है ना वो ये प्रेग्नेंट होंगी, इनके बच्चे, मकसद है ये बच्चों को जन्म देंगी, तो फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर आप इन्हें सेल आउट करेंगे। हमको फायदा होगा, अभी हमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये अभी हमने मकसद है कि मादियाँ भी नर भी खरीदे हैं। अच्छा, ये सारी भेड़ें हैं आपने तकरीबन कितने की खरीदी हैं? तकरीबन 2 लाख रुपए की। ये 2 लाख रुपए की आपने खरीदी हैं, तकरीबन कितना अरसा हो गया आपको खरीदी हुई? हो गया तकरीबन 3 महीने हो गए। अच्छा, इनकी जो खुराक है, ये आपने घास का जो है वो चारा डाला हुआ है, इसके अलावा और क्या खुराक देते हैं आप? खाती हैं गंदम का दलिया खाती हैं। सही है, जो दूसरे मकसद है कंपनियों ने मंडे वगैरह बनाए हुए हैं वो भी खाती हैं। सही है, घास किसी किस्म का भी इनको डाल दो ये खाती है। सही है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। और जो इनकी मुतवाजन खुराक है उसके बारे मुझे अभी मालूमात नहीं है। सही है, वैसे इनकी खुराक भी बनती है। सही है, ठीक है फरूख भाई, आपने बहुत ही बड़े जानवरों को सैलेज वगैरह तैयार होता है ना, सही है, उस किस्म की इनकी खुराक भी बनती है जो मकसद डॉक्टर माहरीन जो हैं वो बताते हैं भी। सही है। इतनी चीज़ फलां मिक्स करो, इतनी फलां, इतनी फलां, तो वो मुतवाजन खुराक इनकी बनती है। फारूक भाई आपने अच्छा सेटअप बना हुआ है। और भी अमल होता है, जो मादा होती हैं मकसद नौजवान वो मकसद माँ नहीं बनी होती। सही है। उनकी खुराक मुख्तलिफ होती है। सही है। जो माँ बन जाती है उनकी खुराक फिर मुख्तलिफ हो जाती है, जो फिर दूध देने लग जाती है उनकी खुराक मुख्तलिफ बनती है। सही है। इनकी खुराकें भी मकसद तीन किस्म की बनती है। सही है, सही है। तो तब ये जाकर मकसद के फायदा दे। अच्छा, इनमें से कुछ भेड़े वो दूध भी दे रही हैं या बस? अभी सब ये बच्चियाँ हैं। सही है। अभी इनमें नर खुले हुए हैं। सही है। अब मकसद के जो बनती जाएगी। सही है। फिर उसके बाद 6 माह के बाद मकसद के इसने बच्चा देना होता है। सही है। तो 3-4 महीने के बाद मकसद के उस बच्चे को आप फरोख्त कर सकते हैं। सही है। क्योंकि वो दूध पीने के बाद मकसद खाना पीना भी शुरू कर। अच्छा, तो 2 साल या 2.5 साल के बाद जब आप इन्हें सेल आउट करेंगे तो आपको कितनी मकसद है कि हमें इनकी 7-8 महीने इंतज़ार और करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इन इनमें से कितनी इनकम तकरीबन आ जाएगी? तो फिर मुकद्दर की बात है, देखा जाएगा। अंदाज़ा 2-2.5 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। मसला यह है ना, हमारे यहाँ कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि मकसद है कोई डॉक्टर हूँ इधर। सही है। कोई आके इन जानवरों को चेक करता हो। सही है। ठीक है ना। सही है। खुदा ना करे अगर कोई मुसीबत बीमारी ऐसी आ गई। सही है। तो बर वक्त इनको कोई वैक्सीन वगैरह ना हुई। सही है। तो फिर तो साफ जाहिर है कि हमें नुकसान है। सही है, सही है। तो हम जो हैं मकसद है ये नहीं जानते इतना, फिर हम लगाते हैं तुक्के भी, इसको ये दे दो, उसको वसल दे दो, इसको काली मिर्चें दे दो, फलां कर दो, फलां कर दो। सही। ठीक है ना। चलो ठीक है। मुगा 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 मजा।